अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज रमज़ान का 26 रोज़ा है और मैं जा रहा हूँ उमरा करने के लिए। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने रूम से, मैं रेडी हो चुका हूँ अभी। यहाँ टाइम 10:30 बज चुका है और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी टैक्सी करके हम जाएंगे बस स्टैंड और वहाँ पे मेरा टिकट बुक हो चुका है ऑलरेडी। तो और वहाँ पे बोला गया कि 1 बजे यहाँ पे पहुँचना है और 2 बजे यहाँ से बस खुलेगी मक्का के लिए। तो अब देखते हैं पहले मक्का जाती है या फिर पहले मदीना जाती है। तो फिर आगे का जैसा रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो देखिए बाहर का मौसम बिल्कुल अच्छा है, धूप तेज़ धूप निकला हुआ है और जो रास्ता है सन्नाटा है, देख सकते हैं आप। सारी दुकानें सारा कुछ बंद है। यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और बाकी पूरा सन्नाटा है। वो देखिए टैक्सी वाला आया, एक मैं जाके बात करूँगा उनसे कि कितना भाड़ा लेगा। अस्सलाम वालेकुम, ये बता बस स्टैंड है उमरा के लिए कितना लेगा? 35 रियल, क्या बात है। मैंने ज़्यादा मांगे नहीं, जो भी आप बोलोगे इतने 30 रियल ले लो हमारा। तो 30 रियल में डन हो चुका है बत्ता के लिए टैक्सी। टैक्सी से अभी रास्ते में हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुँचेंगे बस स्टैंड और फिर वहाँ से बस में 1 बजे का टाइम है, वहाँ से बैठ के फिर 2 बजे बस खुलेगी। तो साथियों मैं पहुँच चुका हूँ बत्था में बस स्टैंड पे, अब जा रहा हूँ यहाँ से बस खुलेगी। ये पास में बस है तो मैं जा रहा हूँ अभी ऑफिस में। अभी जुमा का भी टाइम हो रहा है तो मुझे जुमा भी पढ़ने जाना होगा। तो देखिए यहाँ पे मस्जिद भी है, जुमा की मस्जिद है तो मस्जिद के पास में है। हर जगह पे लगता है इस तरीके का, फल का दुकान लगाते हैं और बहुत सारे परफ्यूम्स कपड़े का भी दुकान लगाते हैं। अब देख सकते हैं रियाद के मनफुआ में अभी भी मिट्टी का घर है। ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब मिट्टी का घर है। ये बिल्कुल गाँव की तरह दिख रहा है। जितनी भी घर देखे यहाँ पर सारे मिट्टी का घर है, वो भी 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला ऐसे करके, देख रहे हैं आप। जितना घर दिख रहा है सारा मिट्टी का घर। और ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये सऊदी अरब का सुप्रीम कोर्ट है। जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये सऊदी अरब का सुप्रीम कोर्ट है ये है। और ये एक बिल्डिंग है, उच्चतम न्यायालय, सब लोग हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। ये सऊदी अरब का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ सऊदी अरबिया। ये देखिए बत्था का बाज़ार, देखिए बिल्कुल गांव की तरह हाट बाज़ार लगा हुआ है और लोग बेच रहे हैं अब बोली लगा करके। और ये बत्था का बंगाली मार्केट है, देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ही पूरा एरिया के रोड के दोनों साइड में सारे फल वगैरह सब्जी का दुकान लगा हुआ है। तो ये हम आ चुके हैं बस के एरिया में, यहाँ से टिकट बुक होगा। और ये बावल काबा है और बावल काबा से हम टिकट बुक कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बस की तरफ। ये देखिए मकतब वाला है, ऑफिस वाला है, और ये हमको बस की तरफ लेके जाएंगे। और यहाँ पे सारी उमरा की बस लगी हुई है, ये बस लगी हुई है और इस बस में हम बैठेंगे। ये किंग लॉन्ग बस है,
ये बस है, ये वाली बस है, यही बस से जाएंगे, पहले मक्का जाएंगे फिर मदीना लेके जाएंगे। फाइनली बस में बैठ चुका हूँ और बस स्टार्ट भी हो चुकी है। देखिए बस अभी होटल पे रुकी है, ये हमारी बस है और होटल पे रुकी है। अभी इफ्तारी का टाइम हो गया, अभी सब लोग इफ्तारी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। चलिए होटल पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी बसें रुकी है, तो उमरा की बस है और ये सारी बसें रुकी है और सब लोग यहाँ पे देखिए इफ्तारी भी किए कर रहे और खाना भी खा रहे। ये होटल है, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है। चलिए होटल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ दुकानें भी लगी है बाहर में, ये ड्राई फ्रूट्स से अतर का दुकान है ये। ये अंदर होटल, बाहर का भी एरिया है खाने का, यहाँ पे लोग खा रहे और ये है अंदर का एरिया। ये काउंटर, यहाँ से खाना लेते हैं, तो ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर यहीं से, पेमेंट भी इधर ही। साथियों अभी 10:30 बज चुका है रात का और बस आकर रुकी है एक होटल पे, और यहाँ पे होटल पे रुका इसलिए कि यहाँ पे लोग खाना पीना खाएंगे, जो भी दुकान से कुछ लेना देना होगा लेंगे। देखिए हमारे पीछे पूरे ये होटल है और इसी होटल में सब लोग खाना पीना खा रहे हैं और मैं तो खाना खा चुका था, तो मैं कुछ दुकान से लेके आया हूँ, पानी है और कुछ खाने पीने का सामान है जो सहरी के लिए खाया पिया जाएगा। फिर यहाँ से अभी थोड़ी देर में बस खुलेगी। तो साथियों देखिए अभी हम निकात आ चुके हैं और यहाँ पे हम नहा धो के अहराम बांधेंगे और फिर यहाँ से बस लेकर के जाएगी मक्का अल हरम, जहाँ पे हम लोग उमरा करेंगे। देखिए चलते हैं, ये मिकात है और वहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो 5 रियाल लेकर के अंदर जाने दे रहा है, जहाँ पे नहा करके अहराम बांधेंगे। खाली है सर, खाली है जो ये लाइन से पूरा देख सकते हैं, ये मिकात का हमाम है, बाथरूम, और इसी में नहा करके अहराम बांधेंगे। लेकिन कुछ लोग इंतज़ार भी करें लाइन में लगे, क्योंकि बिजी है पूरा वॉशरूम, कुछ कपड़े चेंज भी कर रहे हैं। तो मैं भी देख रहा हूँ कहीं खाली होगा। हेलो साथियों, देखिए मैं अहराम पहन लिया, नहा धो करके अभी गया था, अहराम पहन लिया हूँ और उमरा के लिए दोहरे का तफिल नमाज भी पढ़ा हूँ। अब जा रहा हूँ बस में बैठने के लिए। देखिए सब लोग अहराम बांधे हुए हैं, बस यहाँ पे कितनी सारी बस खड़ी है और सब लोग अहराम बांध लिए हैं। अब यहाँ से सीधा मक्का जाएंगे, ये मिकात है। चलिए मक्का में मिलते हैं। ये देखिए दुकान में अहराम खरीदा जा रहा है, अहराम चप्पल बेल्ट यहाँ पे सब लोग खरीदे मिकात पे। मस्जिद हरम के बिल्कुल करीब में जा रही है बस। साथियों फाइनली हम आ चुके हैं मक्का में और ये देखिए सामने से क्लॉक टावर, तो जा रहे हैं हम लोग उमरा करने के लिए। अब उमरा करने के लिए फजर
की अजान भी हो चुकी है, नमाज भी स्टार्ट हो गया है, तो अब नमाज भी पढ़ेंगे, उसके बाद फजर की नमाज के बाद उमरा। साथियों, हम पहुंच चुके हैं हरम शरीफ के पास और मेरे सामने अभी हरम शरीफ है और क्लॉक टावर भी है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। रमजान का 26 रोज़ा है और ये देखिए क्लॉक टावर। फाइनली फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मस्जिद हरम में और अभी मैं बाहर में हूँ, देख सकते हैं आप। और ये क्लॉक टावर है, ये मस्जिद अल हरम है। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह देख रहे पानी का फुहारा भी चल रहा है। ये देखिए चार गुंबद वाली मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, ये मस्जिद कुबा है और अभी 4:30 के लगभग हो रहा है, तो यहाँ पे मस्जिद कुबा है। हम लोग यहाँ पे अभी फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। ये मस्जिद कुबा है, मस्जिद कुबा में देखिए कितनी। तो देख रहे होंगे जब आपके आदमी लोग खड़े हैं। फाइनली हम उमरा से आ चुके हैं। ये देखिए तरीक जाबिर है, बस ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया तरीक जाबिर पे, और तरीक जाबिर से अब हम टैक्सी पकड़ेंगे। यहाँ से नज़दीक है मेरा रूम, तो टैक्सी पकड़ के हम यहाँ से चले जाएंगे तरीक जाबिर से। तो ये मेरे रूम से बिल्कुल नज़दीक था, इसलिए मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर उतार दो, इसलिए मुझे यहाँ पर उतार दिया है। तो यहाँ से हम टैक्सी पकड़ेंगे और रूम पर चले जाएंगे।